भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 उपग्रह ने पृथ्वी की कक्षा बदलने का दूसरा चरण पूरा कर लिया है। इसरो ने इस बात की जानकारी दी, साथ ही ये भी बताया कि बेंगलुरु स्थित इस ट्रैक सेंटर से आदित्य L1 के पृथ्वी की कक्षा बदलने का दूसरा चरण सफलतापूर्वक किया गया है। इसरो ने बताया है कि आदित्य L1 18 सितंबर तक धरती के चारों तरफ चार बार अपनी ऑर्बिट बदलेगा। धरती के चारों तरफ ऑर्बिट इसलिए बदली जा रही है जिससे कि उसे इतनी रफ्तार मिल सके कि वो 15 लाख किलोमीटर लंबी यात्रा को पूरा कर सके। इस यात्रा के बाद आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा जो उसकी मंजिल है। रविवार को इसने पहली छलांग लगाई थी और अब ये दूसरी छलांग है। इसरो ने पहली बार संपर्क के लिए एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया है। इसरो के पास सैटेलाइट से संपर्क के लिए दो बैंड हैं। पहला बैंड है एस बैंड जो 2 से 2.5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और दूसरा है एक्स बैंड जो 8 से लेकर 8.5 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करता है। एक्स बैंड पृथ्वी के बाहर के मिशन से कम्युनिकेशन का सबसे सटीक बैंड है। इसकी मदद से दूर के सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन करना आसान होता है। इसरो अपने नए मिशन के लिए इसी एक्स बैंड टेक्निक की टेस्टिंग कर रहा है। इसरो ने 5 सितंबर को तड़के 3 बजे ये अपडेट दिया कि आदित्य L1 का दूसरा अर्थबाउंड मैनवर इन ट्रैक बेंगलुरु से सफलतापूर्वक किया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान मॉरिशस, बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर में इस ट्रैक के ग्राउंड स्टेशनों ने उपग्रह को ट्रैक किया। प्राप्त की गई नई कक्षा 282 किलोमीटर गुड़े 40,225 किलोमीटर है। अगला मैनवर 10 सितंबर 2023 को लगभग 2:30 बजे के लिए निर्धारित है। बता दें कि इसरो ने बीते शनिवार को PSLV C-57 लॉन्च व्हीकल से आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। यह लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई थी। यह मिशन भी चंद्रयान 3 की तरह पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और फिर यह तेजी से सूरज की दिशा में उड़ान भरेगा। इससे पहले इसरो ने हाल ही में चंद्रयान 3 भी लॉन्च करा था जो चांद के साउथ पोल पर इसकी लैंडिंग हुई थी, सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी और इसकी वजह से इसरो को भारत को पूरी दुनिया में काफ़ी वाहवाही भी मिली थी।